विद्रोह का मतलब चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहां पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेन सिंह राठौर और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। आज अचलपुर न्यायालय से एक बड़ा फैसला आया है, जिसके चलते अचलपुर के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू, इनको 6 माह की सजा हो गई है। यातायात पुलिस कर्मी से हाथापाई वो गाली गलौज के चलते ही ये सजा आज अचलपुर न्यायालय ने विधायक बच्चू कड़ू को सुनाई है। ये मामला साल 2016 का है, जब बस थाना के सामने अवैध रूप से खड़ी रहने वाली निजी यात्री बसों तथा काली पीली टैक्सी की पार्किंग के लिए स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी के साथ बच्चू कड़ू व उनके कार्यकर्ताओं के गाली गलौज व हाथापाई हो गई थी, जिसके चलते परतोड़ा पुलिस ने धारा 353, 332, 294 व 186 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में यातायात कर्मी कौन थे और बच्चू कड़ू व इनके समर्थकों की इस यातायात कर्मी के साथ में क्या बातचीत हुई थी। आता लोक मेले ना चार इतने ट्रावल्स मिल रहा है भविष्य का करत में तो जैसा कि आपने देखा, हाथापाई से लेकर तो गाली गलौज, आज इसी मामले के चलते विधायक बच्चू कड़ू इनको अचलपुर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा सुना डाली। अब इस बारे में विधायक बच्चू कड़ू का क्या कहना है, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। 353 म्हणजे आज मला 6 महिने आणि 1 महिन्याची मला सजा न्यायालयानं सुनावली, मी त्याचा आदर करतोय। पण 353 आणि 186 हा भ्रष्ट अधिकाऱ्याचे कवच कुंडल झालेला आहे आणि हा कायदा विधानसभेमध्ये याला हाणून पाडण्याचा आणि याच्यातल्या असलेल्या कठीण जे सजेचा दिला हा कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। सगळ्या आमदारांना आम्ही ते अशा पद्धतीने आवाहन करू। काय 186 मध्ये 1 महिन्याची मला सजा झाली, त्याच्यात असं म्हटलं 186 मध्ये का आवाज जोरानं करून बोलला तर मग तुमच्यावर हा गुन्हा दाखल होतो। तर आवाज जोरानं बोलणं, कमी जास्त करणं असं कसं समजायचं? माझं असं म्हणणं आहे का मला याचं काही गम नाही आहे। आम्ही अशा 10 सजा सुनावले बच्चू कडू जनतेसाठी, व्यक्तिगत कामासाठी हे गुन्हे दाखल झाले नाही म्हणून गर्व आहे बच्चू कडूवर। जनतेसाठी 4 लोक मरण पावले होते, 4 लोक या परतवाड्याची माझ्या मतदारसंघातली लोक, एक तानवाड मरण पावलं आणि त्याच्यात फक्त त्याला आम्ही असं म्हटलं होतं काय हा तू तिथं ट्रॅफिक ते ट्रॅव्हल्सवाले थांबले, काळी पिळीवाले थांबले, अजूनही तुम्हाला दिसतं का ट्रॅव्हल्स त्या डेपोसमोर थांबतं। आता त्या 100-200 मीटरवर 4 लोक मरण पावले असल आणि बच्चू कडून आमदार म्हणून काही म्हणावं नाही आणि तो त्याला दोषी ठरल्यापर्यंत जात असल तर हे चुकीचं आहे। बच्चू कडू व्यक्तिगत कामासाठी बच्चू कडूवर कधीही गुन्हा दाखल नाही। भ्रष्टाचारासाठी आम्ही अंदर गेलो का त्याच्यात आम्हाला सजा झाली का सांगा। ज्या दिवशी स्वतःच्या पर्सनलसाठी आम्हाला केव्हा गुन्हा दाखल होईल किंवा सजा होईल त्या सजेसोबत बच्चू कडूला अतिरेक्यांना मारून आम्ही आमचं जीवन संपवू। पण 353 बच्चू कडू आम्ही अशा याला घाबरणार नाही, आम्ही समोर जाऊया। आमदारकी गेली तरी 72, लोकांसाठी लढत राहू, असे सजा भोगत राहू। अच्छा, जामीन झाला 1 महिन्याची मुदत दिलेली आहे आणि 1 महिन्याच्या मुदतीनंतर आम्ही अपील मध्ये जाऊ आणि समोर लढू। विधायक बच्चू कड़ू के मुताबिक उन पर कोई निजी आरोप नहीं लगा था, आज सामाजिक कार्यों के चलते ही उन पर आरोप लगे थे और इसी के तहत अचलपुर न्यायालय ने ये सजा सुनाई है। इस तरह की कई सजाएं वो भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सामाजिक कार्य के चलते इस तरह की वो कई सजाएं भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन वे अपने सामाजिक कार्यों में किसी तरह का दूजा भाव नहीं रखेंगे। चाहे उनका विधायक पद ही चक्के न चला जाए, लेकिन आम जनता के लिए वो ऐसे ही काम निरंतर करते रहेंगे। इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।